हम जो बावर्ची लोग होते हैं ना, हमको ना बेकू बनाने में बड़ा मजा आता है। किसी को शलगम बोला गोश्त खिला दिया, किसी को आलू बोला चिकन खिला दिया, मतलब ओवरऑल जिसे बोलते हैं ना आर्ट ऑफ डिसेप्शन, हमें बड़ा मजा आता है। क्योंकि पुराने टाइम में बड़े बड़े खानसामा होते थे, वो ऐसे नवाब साहब को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाते थे। अब हम पुराने टाइम में खानसामा तो है नहीं, लेकिन बेवकूफ़ हम भी बना सकते हैं। एक सिंपल सा तरीका मैंने ढूंढा है आपको बेवकूफ़ बनाने का। तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और आज आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, ऑमलेट खिलाएंगे बगैर अंडे का। तो जी बगैर अंडे का ऑमलेट बनाने के लिए आपको अंडा तो चाहिए नहीं होगा, आपको एक्चुअली चाहिए बेसन, मैदा और ब्रेड। ठीक है, ये ब्रेड वाला जो एडिशन है ये हमारी मोनोपोली है, किसी को बताइएगा मत। ये जो ब्रेड वाला है ना पार्ट, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो हमारा ऑमलेट है ना उसको लचीलापन, बाइंडिंग, स्ट्रेच और स्ट्रक्चर, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर इस ब्रेड से मिलता है। आमतौर पर मैंने देखा है कि सिर्फ हम बेसन का चीला बना देते हैं, फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं उसमें लचीलेपन के लिए थोड़ा मैदा भी डाल दो, फिर हम उसके अंदर थोड़ा अरारूट डाल देते हैं, सब कुछ आ जाता है, लेकिन वो एक जो अंडे की बाइंडिंग होती है ना, जो अंडे का खिंचाव होता है वो नहीं आता। तो एग को रिप्लेस करने से पहले ना एग का स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। अब अंडे में क्या होता है, अंडे में होता है अंडे की सफ़ेदी यानी कि एल्ब्यूमिन, राइट, और अंडे का योक पीला। तो अंडे का जो एल्ब्यूमिन है वो प्रोटीन होता है, उससे बाइंडिंग आती है, लेकिन जो अंडे का पीला है दी योक ऑफ द एग, उससे रिचनेस आती है, फैट आती है, रज़ाइत आती है, राइट। तो इसलिए यहाँ पर वो फैट भी डालना ज़रूरी है, रज़ाइत भी डालनी ज़रूरी है, इसलिए दूध और बाद में थोड़ा मक्खन भी डालूँगा। ठीक है, लगभग एक हीप्ड टेबल स्पून बटर, एक चोटीदार टेबलस्पून बटर। अगर आप पुरानी गृहशोभा, मनोरमा, सरिता ये सब पढ़ें तो वहाँ पर आपको प्योर हिंदी मिलेगी, खाने की हिंदी, दी ओरिजिनल कुकिंग हिंदी। उसमें हम लोग बोलते हैं हीप टीस्पून, वहाँ लिखा होता है चोटीदार चम्मच। चोटी बनती है ना, हीप मतलब चोटी, सिर्फ मेल्ट करना है, घी नहीं बनाना। अगर चम्मच को उल्टा करते हैं तो बस कोटिंग एकदम बहने वाला होना चाहिए बैटर। अब जो है दूध, मक्खन, जो रिचनेस हम एक्सपेक्ट करते हैं ना अंडे से, अब वो इसके अंदर आ गई। ठीक है, अब कहानी जो है वो आगे बढ़ सकती है शांतिपूर्वक। अब इसके अंदर अगर आपको और थोड़ी सी वो अंडे की मीटीनेस डालनी है ना, तो ये ट्रिक किसी को बताइएगा मत, लेकिन 4-5 ड्रॉप आप सोया सॉस डाल सकते हैं। सोया सॉस से वो मीटीनेस आती है, है? एक वो नॉन वेज वाला फील आता है, राइट, और कलर भी नहीं ख़राब होगा सर, 4-5 ड्रॉप से कलर ख़राब नहीं होगा। चाहे तो हल्दी बढ़ा दी, येलो कलर बढ़ा दिए, लेकिन नमक की जगह या नमक के साथ सोया सॉस का इस्तेमाल कीजिए तो वो मीटीनेस जो होती है ना अंडे की वो भी आ जाएगी। सब बता दिया मैंने, हैं, वरना बनाने जाते ये बगैर अंडे का ऑमलेट और बन जाता चीला, और आप कहते रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया चीला नहीं बनाना, बगैर अंडे का ऑमलेट बनाना है, इसलिए वाइट ब्रेड वाला फॉर्मूला और साथ में वो मैदे वाला फॉर्मूला, साथ में मक्खन और दूध वाला फॉर्मूला भूलना नहीं। ठीक, हमारे घर में ना एक नियम है कि कुछ भी हो जाए ट्यूसडे सैटरडे को नॉनवेज नहीं बनेगा। अभी ईशान को पता होता है कि आज ट्यूसडे है, सैटरडे इतना बड़ा हो गया है वो, तो वो ट्यूसडे और सैटरडे को ही ऑमलेट मांगता है, क्योंकि बच्चों को मतलब इतनी अकल तो होती है ना कि मम्मी पापा को कैसे बीट करना है। तो ये जो इलाज है ये बड़ा काम आता है ट्यूसडे सैटरडे को। होपफुली वो जितना लेट ये वीडियो देखे उतना अच्छा है, हमारा जुगाड़ हमारे यहाँ से चला जाएगा। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि ये सारी सब्जी लेते हैं, इसको अंडा फोड़ के उसके अंदर डाल देते हैं ऐसे कच्ची, है ना, या फिर इसके ऐसे मिक्सचर में डाल देते हैं और फिर वो बना लेते हैं, मज़ा नहीं आता। हल्के से बटर में आप सौते करते हैं ना, सिर्फ सौते करने में बटर में डाल के आप 50 तक गिन लीजिए, उल्टी गिनती उतना बहुत है, तड़का नहीं लगाना, लेकिन हल्का सा बटर में सौते करते हैं तो बटर के अंदर इसका फ्लेवर जाता है, इसके अंदर बटर का फ्लेवर आता है, फिर वो सारा फ्लेवर अंडे में आता है, तो जस्टिस होता है डिश। ठीक है, तो सौते करने के लिए टाइम दें। देखो जी, पहले बनाते हैं चीज़ ऑमलेट। हमने बड़े सुबह सुबह उठ के ट्रॉलियों में अंडे बनाए, हर होटल मैनेजमेंट ट्रेनी ने बनाए होते हैं आधी नींद में, क्योंकि गेस्ट को तो नहीं पता था ना कि भाई डबल ड्यूटी कर रहा है, कल रात को ही गया है 12 बजे, सुबह सुबह आ गया 6 बजे अंडे की ट्रॉली पे। बड़े मज़े का टाइम होता है जी, होटल मैनेजमेंट जैसी कोई पढ़ाई नहीं है।
अब अगर ये अंडा होता ना तो मैं बोलता कि एक काम करिए, बस एक तरफ से कच्चा छोड़ दीजिए, अपने आप अपनी हीट में पक जाएगा। लेकिन ये अंडा नहीं है, ये अपना वाला अंडे का सब्स्टिट्यूट है, इसलिए इसको पूरा पकाना है, ऑलमोस्ट 90% डन करना है। दूसरे केस में मैं इसको 70% डन करता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना रॉयल्टी को बेवकूफ़ बना के पैसे कमाने का, मैं शुरू में जो बात करी थी उससे बड़ी सारी डिशेज ईजाद हुई हैं। अब जैसे गार्लिक की खीर, नवाब साहब को बेवकूफ़ बनाया, नवाब साहब गैस नहीं कर पाए कि खीर जो है वो एक्चुअली गार्लिक की बनी हुई है और नवाब साहब ने बड़ी सारी अशरफियाँ दी। या फिर शक्कर का मेजपोश, हाँ, शुगर वर्क से खूबसूरत सा टेबल क्लॉथ बनाया गया, नवाब साहब को बोला गया चलिए टेबल क्लॉथ खाइए और नवाब साहब बड़े खुश हो गए बेवकूफ़ बन के, उन्होंने पैसे दिए। या फिर एक टाइम पे एक राजा साहब के पास कुल्फी लेके जाई गई और उन्हें बोला गया कि एक काम करिए कुल्फी खाइए, उन्होंने कुल्फी खाई, बोले अब चम्मच भी खाइए, चम्मच भी कुल्फी का बना था, फिर कटोरी भी खाइए, कटोरी भी कुल्फी की बनी थी। तो मैंने कहा ये जो बेवकूफ़ बनाने वाला सिस्टम है इस ऑमलेट में, वो कहानी की शुरुआत वहाँ से करते हैं, इसलिए वो जो है वहाँ से मैंने शुरू करी थी कि खूबसूरत डिशेज़ नहीं आती अगर ये खाने में बेवकूफ़ बनाने वाला कल्चर नहीं होता। जैसे नवाब जो हैं उनको बेवकूफ़ बनाकर खानसा में पैसे बनाते थे, वैसे नवाब एक्चुअली भी पुराने टाइम में या जो रॉयल्टी होती थी वो टेस्ट भी करती थी अपने कुक्स को ऐसे, राइट। मैंने जब काम शुरू किया, फिर मैं गोवा से दिल्ली आया, तो जो होटल की मालकिन थी वो बोले कौन लड़का कौन नया आया है किचन में, बोले ये रणवीर बुला रहे, बोले अच्छा उसको फ़ोन पर बुलाओ। पहले दिन आई फ़ोन पर, मुझे बोलती है कि मेरे को फ्राइड फिश चाहिए नो ऑयल। मैं बोला हैं, बोले हाँ मेरे को फ्राइड फिश चाहिए नो ऑयल। तो उस केस में फिर अपना दिमाग लगाते हो, अभी मैं क्या करूँ, इसको ओवन में डालूँ, कैसे करूँ, टेस्ट कैसे लाऊँ। फिर एक दिन मुझे बोलती कि मुझे ना मशरूम चाहिए जो 65% पका हुआ हो। अभी 65% मतलब 23 साल का लड़का। तो मैंने बोला जी एक काम करता हूँ, फिर मैं आता हूँ ऊपर जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर बनाता हूँ इसको, फिर आप तभी के तभी खाना, तभी होगा 65% पका हुआ। तो बोलती ठीक है तो आ जाओ तुम। तो उनके किचन में मैं गया, वेट कर रहा था, तभी उनके जो हाउस हेल्प थे वो आए और उन्होंने बोला शेफ आप यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला अरे यार माताजी ने परेशान किया हुआ है। माताजी बिल्कुल बाहर निकली पूजा करके और बोलती मशरूम कहाँ है। मैंने मशरूम सामने रखे, डाइनिंग रूम में उनका तोता था, जैसे ही मशरूम रखे टेबल पे तोता बोलना शुरू हो गया, माताजी ने परेशान किया हुआ है, माताजी ने परेशान किया हुआ है, माताजी ने परेशान किया हुआ है, ना मैं दाएँ देखने लायक ना मैं बाएँ देखने लायक। तो वो 65% पके थे या नहीं पके थे मशरूम, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके बाद मुझे पका दिया गया था अच्छे से, हाँ। तो कहने का मतलब है शी मेड मी बेटर, राइट, उन्होंने मुझे बहुत बेहतर बनाया। बिकॉज अगर वो चैलेंजेस नहीं रखती ना मेरे सामने तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार हो जाता है। तो अब दो तरीके से बना सकते हैं इसको, एक तो इसके अंदर फोल्ड कर दें पूरा अंडा, है ना, और दूसरा ब्रेड के ऊपर फोल्ड कर दें। हम अंदर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज मैंने बटर लगाया हुआ ना, फिर सेकेंगे इसको एकदम क्रिस्पी। अभी इसके ऊपर भी चीज़ डालनी है तो डाल सकते हैं, ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि रणवीर ने बोला चीज़ नहीं डालनी, ठीक है। वो क्या है ना, मैं जब भी ऑमलेट बनाता हूँ मेरे को वो टाइम याद आ जाता है अपना होटल का ट्रेनिंग का, तो मैं ऑटोमेटिकली उसको होटल स्टाइल कर लेता हूँ। तो ये भी लग रहा है होटल स्टाइल ही हो जाएगा। टमाटर अपने आप चले जाते हैं पैन पे, जो जो जिसने जिसने होटल मैनेजमेंट किया होटलों में काम किया उनको पता होगा, टमाटर अपने आप चले जाते हैं पैन पे, एक तरफ अंडा और एक तरफ टमाटर ग्रिल टमाटो अपने आप। और ये टमाटर को जो है ना जलने दीजिए, ये ऐसे चार होने दीजिए इसको। इसमें मेन चीज़ क्या है ना, स्टेज ऑफ कुकिंग। जैसे अंडे में क्या है हम लोग ओवर कुक करते हैं तो पूरा बैंड बच जाता है, इसका भी वही हाल, इसको ओवर कुक नहीं करना। जैसे आप एक तरफ से पक रहा है, आप हाथ लगा रहे हैं ऊपर से जो है टच से चिपक नहीं रहा, इसका मतलब पक गया, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। दूसरा दूध और मक्खन से नरमी वैसे भी आ जाएगी। सब बता दिया मैंने, कोई भी मोनोपोली अपने पास नहीं रखी, अब ये मोनोपोली मोनोपोली नहीं रही। वाह भाई वाह, वो क्या था, संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, शनिवार हो या मंगलवार तो भी खाएं अंडे। हमने नया बना दिया हमने, कैसे झेलते हैं आप मेरे को, कुछ भी बोलता हूँ जो मुंह में आए बोल देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, लुक एट दिस, ये देखिए, कौन कहेगा कि ये चीज़ ऑमलेट नहीं है। वाह भाई वाह, बस मोनोपोली वही है क्या जो रेसिपी बताई है, और ओवर कुक नहीं करना।
दूसरी चीज़, जाते जाते एक नुस्खा और दे देता हूँ। वो नुस्खा ये है कि जब बैटर बनाएंगे तो कम से कम 15 मिनट रेस्ट करिएगा, बस एकदम से ग्राइंड करके नहीं। अब जो इसका टेक्सचर आना है रेस्ट करने के बाद, एंड पटाखा। नहीं है, मैं स्पेशल इफेक्ट नहीं है अगर एडिटर ने डाल दिया तो, कि मैं एक्चुअली वापस आया हूँ, ऑमलेट लेने भी नहीं आया हूँ मैं एक्चुअली। मेरे को धक्का मार के बोला गया सब लोगों ने कि शेफ आपने सब्सक्राइब तो बोला नहीं, तो नमस्कार, मैं रणवीर ब्रार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू, और शेयर कर लीजिएगा ताकि और लोग भी सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। इस पर भी स्पेशल इफेक्ट डाल देना भाई। अब जब मैं इस कर्व को प्रॉपरली देखता हूँ कि चाहे वो रिलेशनशिप हो कुक्स में या रॉयल्टी में, या फिर मेरी जर्नी जिसमें माता जी आई जिन्होंने मुझे चैलेंज किया, चैलेंज बहुत ज़रूरी है किसी भी क्रिएटिव इंसान के लिए, और ख़ासतौर अगर आप कोई भी कुक हैं, घर में कुक हैं, बाहर कुक हैं, कुकिंग के लिए चैलेंज बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चैलेंज नहीं कर रहा ना आपको, खुद को चैलेंज करिए, उठाइए एक मुश्किल रेसिपी जो कोई नहीं बना सकता और बनाइए,